वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो क्लास में एक इंटरेस्टिंग ट्रिक पढ़ने वाले हैं, जिसके हेल्प से हम मलेरियल पैरासाइट्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसे याद कर सकते हैं। क्योंकि हमारे एग्जाम में आता है कि कौन से मलेरियल पैरासाइट्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है, राइट। सो वो एक इंटरवल भी देता है, कभी एग्जैक्टली एक डेट देता है और बताता है, एक नंबर ऑफ डेज देता है और बताता है, बताइए कौन सा होगा। सो आज हम वीडियो क्लास में यही पढ़ने वाले हैं कि किस जो मलेरियल पैरासाइट है उसके इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। अब ये इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है? सो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मान लीजिए कि आपके बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आज एंट्री लिया और 10 दिन के बाद उसका सिम्टम्स मिलता है, राइट। सो जो आज से 10 दिन का जो गैप है, ये उस गैप को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, राइट। सो अब देखते हैं इसको याद कैसे रखेंगे। उससे पहले हम जितने तरह के मलेरिया जो होता है उसको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे किसका कैसे होता है, राइट। तो यहां पे देखिए, यहां पे होता है आपका प्लाज्मोडियम ओवे, दूसरा आपका होगा प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, यह आपका होगा प्लाज्मोडियम वायफैक्स, और फिर आपको हो जाएगा प्लाज्मोडियम मलेरिया। यहां पर लिख रखा है प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वायफैक्स और प्लाज्मोडियम मलेरिया। अब इसका क्या है कि इंक्यूबेशन पीरियड पूछता है हमारे एग्जाम में, तो कैसे याद रखेंगे? सो देखिए, यहाँ पे प्लाज्मोडियम ओवेल है, इसका जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये होता है आपका 14 डेज, ये 14 डेज का होता है। अब कैसे याद रखें 14 डेज? सो देखिए, फीमेल प्राइमेट्स में ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन कब होता है? 14th डे पे, राइट। ओवुलेशन कब होता है फीमेल में? 14th डे पे। तो किस तरह हम याद रखेंगे ओवुलेशन से, इसको याद रखेंगे 14 डे। सो ओवुलेशन क्या होता है 14 डे पे, इसलिए याद रखें प्लाज्मोडियम ओवेल क्या होता है 14 डे का होता है, राइट, इसका इंक्यूबेशन पीरियड। यहाँ पे आपका प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का जो डेट होता है, उद्योग होता है, वो होता है आपका 12 डेज, ठीक है। ये एग्जैक्टली देता है एकदम ऐसे, राइट। इस तरह बहुत सारी बुक में पढ़ेंगे और बहुत सारे नेट वगैरह सर्च करेंगे तो डिफरेंट डेटा दिया जाता है, आपको उससे कुछ नहीं देना है, यही होता है जो वहां पे लिखा जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम 12 डेज होता है। अब इसको कैसे याद रखें? सो देखिए, बच्चे ज्यादा फैल कहाँ होते हैं? फैल किस क्लास में होते हैं? 12 क्लास में होते हैं, हम लोग फैल नहीं बोलेंगे, फैल, ठीक है। सो बच्चे सबसे ज्यादा फैल किस में होते हैं? फैल होते हैं आपके बच्चे 12 क्लास में, राइट। और इस तरह याद रखेंगे जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होता है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 12 डेज। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम वायफैक्स का, राइट। तो प्लाज्मोडियम वायफैक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये भी होता है आपका 14 डेज, ठीक है, ये भी 14 दिन का होता है। एक्चुअली इन दोनों का एक ही होता है, 14 डेज। तो प्लाज्मोडियम वायरस से कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, जो वैलेंटाइन डे होता है, वैलेंटाइन डे कब होता है आपका? 14 फरवरी को। इस तरह वी से वैलेंटाइन डे आप याद रख सकते हैं। सो इसको वैलेंटाइन डे के हेल्प से हम लोग याद रखेंगे, राइट। और इसके बाद से यहां देखिए प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया में ये कितने दिन का होता है? तो ये आपका होता है 30 डेज का, राइट। ये इसके इंक्यूबेशन पीरियड है 30 डेज होता है, अगर आता है एग्जाम में तो पूरा 30 डेज। इसके अलावा आपका देता भी ये 22 डेज टू 40 डेज ऐसा समथिंग करके इंटरवल देता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट देता है तो ये 30 डेज। तो ये जब प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है 30 डेज का होता है। और फिर इसको कैसे याद रखें? सो देखिए, फीमेल प्राइमेट्स में एक साइकिल चलता है, मंथली पीरियड चलता है, ठीक है, जिसको हम लोग मेंसेस बोलते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? एक मंथली होता है 30 डेज का, 28 डेज वो पहले करता है। तो यहाँ पे 30 डेज का हम लोग सिंपली याद करते हैं मंथली, तो ये क्या होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, एम से मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये 30 डेज, तो इससे हम याद रखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल से याद रखेंगे, ठीक है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल से इसको याद रखेंगे कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है आपका 30 डेज, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वायफैक्स एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये ओवेल का ओवुलेशन होता है आपका 14 डेज के, तो हम ओवुलेशन के हेल्प से याद रखेंगे।
बच्चे ज्यादा फेल किस में होते हैं, सबसे ज्यादा फेल होते हैं 12th क्लास में। इसी अलावा वैलेंटाइन डे का होता है 14, तो 14 से याद रहेगा, 20 से भी, और जो मैसेजेस होता है वो नियर अबाउट एक महीना का 30 डेज के पीरियड में होता है, तो जब वो एक्स फर्टिलाइज होते हैं तब वो होता है, राइट। सो ये होता है आपका 30 डेज। अब देखिए यहाँ पे ये सारा के सारा इससे याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक और पूछता है कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा है हमारे इंडिया में, राइट। सो इंडिया में होता है आपका सबसे मोस्ट कॉमन वैलेंटाइन डे, राइट। वैलेंटाइन डे जो होता है ये वायलेट जो होता है प्लस बड़े वायलेट, ये सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमन है, ठीक है, ये वैलेंटाइन डे, राइट। सो यहाँ पे आपका हमने यहाँ पे वैलेंटाइन डे का कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये गलत चीज है, राइट, लेकिन ये हमारे याद करने के लिए फायदेमंद है, राइट। तो इस तरह इसके हेल्प से हमसे याद रख सकते हैं। थैंक यू। Thanks for watching. Please like and subscribe to get more.